मैंने कहा सर मैं घर आ गया, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मैं घर आ गया हूँ। तो 3 बजे मुझे क्या बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तुम सबसे दूरी बना के रखो, किसी से ना मिलो, सबसे दूर रहो। तो ये स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी गलती है, इसमें मेरा पूरा परिवार और मेरे पूरे गांव वाले सब परेशानी में आ गए हैं। ये स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी गलती है। 2 दिन पहले तक ग्रीन जोन में रहने वाले दमोह जिले में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इलाका ऑरेंज जोन में है। तो इस बीच पहले पॉजिटिव मरीज ने अपना एक वीडियो जारी कर सनसनी फैला दी है। मरीज युवक ने साफ कहा है कि वो मामा के साथ अपने गांव तक गया, लेकिन उसे किसी ने नहीं रोका। मरीज के मुताबिक वो मुंबई में मजदूरी करता है और एक बस के जरिए वो सागर जिले के गढ़ाकोटा तक आया, जहाँ से अपने मामा के यहाँ चला गया। उन्हीं के साथ बाइक से दमोह जिले के सर्रा गाँव आया, लेकिन उसे किसी ने नहीं रोका। लेकिन युवक को हल्का बुखार था, लिहाजा वो खुद चेकअप कराने पहुंच गया और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिम्टम्स के आधार पर उसे क्वारंटाइन कर दिया। उसका सैंपल लिया गया और जांच रिपोर्ट आने के पहले ही 14 तारीख को उसे सेंटर से जाने दिया गया। लेकिन शाम को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो हड़कंप मच गया। उसका आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से उसका परिवार और गांव भी आफत में आ गया है। मैं एक कोरोना पॉजिटिव मरीज हूं। मैं 10 तारीख को मुंबई से गढ़ाकोटा आया, तो गढ़ाकोटा से मैं मेरे मामा जी के साथ अपने गांव सर्रा में आया। तो ना मेरी कोई पूछताछ हुई, ना मेरी कोई जांच हुई कि तुम कहां से आए हो, क्या है क्या नहीं है। मैं आया, लेकिन मैंने अपनी समझदारी से मैं गांव के बाहर ही एक स्कूल है वहां पर रुका। उसके बाद 10 तारीख को मैं रात भर वहीं रहा, मैं और मेरा मामा जी। उसके बाद 11 तारीख को सुबह 9 बजे सचिव साहब आए, तो मैंने सचिव साहब को बोला कि सर मुझे थोड़ी थोड़ी बुखार है, मैं मेरा चेकअप करवाई, उसके बाद ही मैं घर जाऊंगा। तो सचिव साहब बोले ठीक है, मैं तहसीलदार और बड़े अधिकारियों को बात करता हूँ, उसके बाद फिर तुम्हें तेंदुखेड़ा भेजता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने सचिव ने बोला तुम जिस बाइक से आए हो गढ़ाकोटा से, उसी बाइक से मामा के साथ तेंदुखेड़ा चले जाओ। तो मैं 11 तारीख को तेंदुखेड़ा चला गया, तो वहाँ पे बालिका छात्रावास में मुझे रखा गया। फिर 12 तारीख को मेरा सैंपल लिया गया। 12 तारीख को सैंपल लेने के बाद 13 तारीख को बोल दिया खेतों में कुछ नहीं, तुम्हारे मामा जी जो हैं उनको, तुम्हारे मामा जी जो साथ में हैं उनको घर भेज दीजिए। तो 13 तारीख को मामा जी को घर भेज दिया। फिर 14 तारीख को मुझे बोला गया कि तुम्हें कुछ नहीं है, तुम भी घर जा सकते। तो 14 तारीख को मुझे भी 12 बजे घर भेज दिया। उसके बाद मैं घर आ गया। उसके बाद 3 बजे फिर मुझे कॉल आता है कि तुम, मैंने कहा सर मैं घर आ गया, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मैं घर आ गया हूँ। तो 3 बजे मुझे क्या बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तुम सबसे दूरी बना के रखो, किसी से ना मिलो, सबसे दूर रहो। तो ये स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी गलती है, इसमें मेरा पूरा परिवार और मेरे पूरे गांव वाले सब परेशानी में आ गए हैं। ये स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी गलती है, इस पर प्लीज़ गौर कीजिएगा, क्योंकि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। कोरोना पीड़ित का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। तो मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। जिले की सीमा में आने से पहले चेक पोस्ट से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है, जहां हर आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। CMHO डॉक्टर तुलसा ठाकुर बताती हैं कि हो सकता है कि किसी और रास्ते के जरिए पीड़ित गांव तक गया हो, लेकिन जैसे ही वो अपना मेडिकल चेकअप कराने गया तो उसे क्वारंटाइन कर दिया गया था। खुद जिले की सबसे बड़ी स्वास्थ्य अधिकारी ये मान रही हैं कि संबंधित पीड़ित की फाइनल रिपोर्ट आने से पहले ही 14 तारीख को उसे घर जाने दिया गया और शाम होते ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब इस मामले ने फूल पकड़ लिया है, तो इलाके में दहशत का माहौल है और इसी बीच अधिकारी जांच की दलील दे रहे हैं। जी हमारे यहाँ जो है सागर नाके पे प्लस हमारे जबलपुर नाके मारूताल पे चेक पॉइंट बना है, और चेक पॉइंट पे जहाँ से भी लोग आ रहे हैं अन्य राज्यों से, सभी का वहाँ पे टेस्ट हो रहा है और सभी की वहाँ पे जांच की जा रही है। हमारी लगभग 12 टीम वहाँ पर लगी हुई हैं, रात दिन से काम चल रहा है, रात की टीम अलग है, दिन की टीम अलग है। अब ये हमारे समझ में नहीं आया कि वो यहाँ से कैसे बच के निकल गया, किसी अन्य रास्ते से निकल गया या जैसे भी निकल गया हो, ये हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि रास्ते कई होते हैं, पगडंडियाँ वगैरह होती हैं, तो उन लोगों को मालूम रहता है।
अब यहाँ हमारे यहाँ चेकअप होता है, यहाँ से तो कोई छूट के जा नहीं सकता है, और यदि वो वहाँ पहुँच भी गया तो ये है कि फिर उसको बाकायदा कोविड केयर सेंटर में रखा गया, उसका सैंपलिंग किया गया, और सैंपल के बाद जो है उसका सैंपल हुआ था 10 मई को और उसकी छुट्टी शायद 14 मई को की गई है। तो जिस तरह से उस यश, तो ये उनका आरोप ठीक नहीं है। और जैसे ही हमें ज्ञात हुआ कि ये पॉजिटिव पेशेंट मिला है, तत्काल यहाँ से माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, मैं और सीओ जिला पंचायत प्लस हमारे ब्लॉक लेवल की सारी टीम वहाँ पर सर्रा गांव पहुँची, और वहाँ पहुँचकर हमने स्वयं उससे बातचीत की थी। और बातचीत के दौरान उसने ये ज़रूर कहा था कि हमको कोविड केयर से छुट्टी क्यों कर दी। तो स्वाभाविक रूप से क्या है कि एक्चुअल यहाँ से बताया गया जिला अस्पताल से कि सभी सैंपल निगेटिव आए हैं, तो इस कारण से बीएमओ महोदय ने वहाँ से उसकी छुट्टी कर दी थी। जो तत्काल पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही हमने उसको वहाँ पर जाकर घर में बातचीत की, और हमने 2 एम्बुलेंस तत्काल यहाँ दमोह से बुलाई, और एम्बुलेंस के द्वारा उसको और उसके परिवारजनों को, उसके परिवारजनों को कोविड केयर सेंटर तेंदुखेड़ा में, और पॉजिटिव एल जी को यहाँ हम आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया, जहाँ उनका ट्रीटमेंट बाकायदा चल रहा है और कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार उसने स्वास्थ्य विभाग के ऊपर तहसील स्तर पर आरोप लगाए हैं, उसमें क्या कार्रवाई करनी है? हाँ, इसमें हमने बीएमओ तेंदुखेड़ा से बात की है, और उन्होंने उनसे हमने कहा है कि वो सतर्कता रखें। जिस किसी का भी सैंपल होता है तो जब तक उसके नाम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक आप छुट्टी ना करें, क्योंकि यहाँ जिले से भले ये बता दें कि इतने नेगेटिव सैंपल आ गए हैं और होल्ड पर हैं, तो होल्ड पर होने के कारण जो है वो इस बात का ध्यान रखें कि इतनी रिपोर्ट की अभी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है, तो जिनकी रिपोर्ट नहीं आई है तो उनको वहाँ पर रोक के रखें, ये हमने उनसे उनको हिदायत दे दी है और कर रहे हैं। दमोह से शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज़।